कोविड व परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या को लेकर परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। नियमित एसओएस परीक्षार्थियों के लिए कुल 2,358 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष नियमित परीक्षार्थियों के लिए 2,042 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। इससे पिछले वर्ष 1900 के करीब सेंटर बनाए गए थे। हालांकि इस वर्ष सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2,131 परीक्षा केंद्र नियमित परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए हैं। वहीं एसओएस परीक्षार्थियों के लिए सेंटर पिछले वर्ष 199 थे, जिसे इस साल बढ़ाकर 227 कर दिया गया है। कोविड के कारण बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। जो कोविड के संदर्भ में एसओपी ऑब्जर्व करना है, उसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम एग्ज़ाम ले सकें। पिछले वर्ष हमारे पास जो एग्ज़ाम सेंटर थे, रेगुलर एग्ज़ाम सेंटर, वो 2,042 थे और उससे पहले जो थे वो 1900 के करीब थे। हमने इसको बढ़ाया था पिछले वर्ष और इनको और बढ़ाकर हम 2,131 ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर रेगुलर विद्यार्थी जिसमें अपीयर होंगे उसमें बढ़ा रहे हैं। जहां पर संख्या ज़्यादा थी विद्यार्थियों की और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना स्कूल में दिक्कत हो सकती थी, तो ऐसे हमने सेंटर बढ़ा दिए हैं और सेंटर बढ़ाने के बाद 2,131 सेंटर अभी तक निर्माण करने की बात अभी चली हुई है। एसओएस के सेंटर जो थे वो 199 थे पिछले वर्ष, उनको बढ़ाकर हमने 227 सेंटर्स कर दिए हैं। जो एसओएस के विद्यार्थी 227 सेंटर में अपीयर होंगे, कुल मिलाकर 2,358 ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर क्रिएट होंगे 2021 के एग्जाम को लेने के लिए। और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा और भी इसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो सारे ऑब्जर्व किए जाएंगे। एसओपी पूरा ऑब्जर्व किया जाएगा, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना सेंटर का रोज हो जाए, बच्चे जो आते हैं एग्जामिनेशन उनका थर्मल स्कैनिंग हो जाए, अगर कोई बच्चा जिसको कोई टेम्परेचर है या फ्लू है उसको डिटेक्ट करने के बाद उन बच्चों को अलग से ही कमरे में बैठाया जाए और वहाँ पर भी सावधानी पूर्वक वो एग्ज़ाम लिया जाए।